नमस्कार दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि अपने घर में समृद्धि लाने के लिए लोग वास्तुशास्त्र का खास ख्याल रखते हैं। जब भी अपना घर बनवाते हैं तो हमेशा अपने वास्तुशास्त्र को देखकर ही बनवाते हैं, या फिर उसका जो डेकोरेट करवाना है वह भी वास्तुशास्त्र को ही देखकर करवाते हैं। अपना गृह प्रवेश भी अपने पंडित जी से या फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही पूछकर और पता करने के बाद ही अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे उपाय भी हैं, यदि आप करते हैं तो आपके घर में धन और समृद्धि और कुबेर लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहते हैं। हर किसी व्यक्ति को धन की लालसा होती है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट हो, उसे कोई लॉस ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि उसके बिजनेस में लॉस हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे कारण भी हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके बिजनेस में इतना लॉस हो जाता है कि वे घाटे में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वास्तुशास्त्र के उपाय हैं, यदि आप करते हैं तो आपके घर में और आपके ऑफिस में या बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है। तो जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं, यदि आप करते हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा। नंबर एक, जब भी हम अपना घर बनवाते हैं तो उस समय अपनी जो दीवारें होती हैं घर की, उन दीवारों की खास ख्याल रखें कि वह मोटी होनी चाहिए। लेकिन चारों दीवारें मोटी ना हो, आप कोशिश करें कि आप उत्तर पूर्व की दीवारें मोटी बनवाएं और ऊंची बनवाएं, क्योंकि अगर आपके घर की ये दीवारें मोटी और ऊंची होंगी तो आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में आने वाले अवसर थोड़े कम हो जाएंगे, तो आप उत्तर और पूर्व की दीवारें ही मोटी करवाएं। नंबर दो, आप अपना घर बनवा रहे हैं उसके लिए कोई प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन प्लॉट खरीदते समय एक बात ध्यान रखें कि आप सड़क से ऊंचा ही प्लॉट खरीदें, क्योंकि यदि आप सड़क से नीचे वाला प्लॉट खरीदते हैं तो आपके जीवन पे और आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो आप अपने बिजनेस के लिए या अपने घर के लिए प्लॉट ऐसा खरीदें जो सड़क से ऊंचा होना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में समृद्धि के लाभ हों और आपके जीवन पे नए नए अवसर मिले और आपकी नौकरी में भी प्रॉफिट होगा। नंबर तीन, अपना घर बनवाते समय या ऑफिस बनवाते समय अपने दक्षिण और पश्चिम दिशा में पेड़ पौधे लगवाएं। पेड़ पौधे भी ऐसे होने चाहिए जो ऊंचे ऊंचे हो, आपकी बिल्डिंग तक पहुंचे। ऐसे पौधे लगाने से आपके घर में आने वाला दुर्भाग्य उन पेड़ों से टकराकर ही दूर चला जाएगा, हमेशा सकारात्मक ही रहेगा और आपके जीवन में हमेशा लाभ और प्रॉफिट के ही बेनिफिट रहेंगे। आप कोशिश करें कि आप अपने आसपास के पौधे अशोक का पेड़ लगवा सकते हैं या फिर कोई घने पेड़ जहां पर आप विश्राम भी कर सकें, क्योंकि घने पेड़ लगाने से आपके जीवन में वह सुख और समृद्धि आती है जो पेड़ को आपको पेड़ पौधे आसपास रहने से देते हैं। जैसे नीम का पेड़, यदि आप धूप से बचना चाहते हैं तो आप हमेशा छांव में बैठ जाते हैं, तो नीम का पेड़ सबसे खास माना जाता है छांव के मामले में। तो इसलिए यदि आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो आप इन पौधों का यूज करें। नंबर पाँच, खिड़कियां और घर के दरवाजे हमेशा साफ रखने चाहिए, क्योंकि इनका सीधा संबंध आपके धन से होता है। यदि आप इनकी सफाई नहीं करोगे तो आपके धन पर भी वह चीजें और काई लगना शुरू हो जाती हैं और आपके जीवन से उनकी कमी होनी शुरू हो जाती है। आप यदि ऑफिस में हो या फिर कहीं भी, आप हमेशा अपने आसपास की चीजों को साफ रखें। स्वच्छ रखने से आपके स्वास्थ्य पर भी लाभ होगा और आपके धन में भी लाभ होगा। यदि आपके धन लक्ष्मी प्रवेश करें तो उन्हें भी लगना चाहिए कि घर साफ सुथरा है, क्योंकि लक्ष्मी माता और कुबेर उसी घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में हमेशा साफ सफाई पर खास ख्याल दिया जाता है। तो यह है वह कार्य, यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है और आपकी किस्मत खुल जाती है। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।